तिमरनी की भाजपा नेत्री का हर्ष फायरिंग का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया कि भाजपा ही सत्ता के नशे में चूर है, जिसे रोकना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। हरदा जनपद सदस्य व भाजपा मंडल तिमरनी की उपाध्यक्ष सुष्मिता राजपूत का सोशल मीडिया पर बंदूक चलाते हुए वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मीडिया में बात आने के बाद उनके द्वारा अपनी इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। इस संबंध में जब भाजपा नेत्री सुष्मिता राजपूत से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि वह बंदूक उनके नाम पर रजिस्टर्ड है और उसको उनके द्वारा हर्ष फायर किया गया है। अभी जिले में ना तो कोई आचार संहिता लगी हुई है, लाइसेंस की बंदूक है। वहीं जिला कांग्रेस प्रवक्ता आदित्य गार्गव में हमला करते हुए भाजपा को सत्ता के मद में चूर होने की बात कही और कलेक्टर व एसपी से इस वायरल वीडियो के खिलाफ कार्यवाही कर जिस व्यक्ति के नाम से बंदूक का लाइसेंस है उसने कैसे अन्य व्यक्ति को हर्ष फायर की जांच कर उचित कार्यवाही की मांग की गई है। हरदा से आलोक पटेल की रिपोर्ट। अकाउंट पे वो वीडियो शेयर किया था जिसे काफी लोगों ने देखा है, मैंने भी वो वीडियो देखा है। असल में ये वीडियो डालना सोशल मीडिया पर बिना किसी लाइसेंस के, खुद के नाम पे लाइसेंस के अपना हर्ष फायर करना, ये भारतीय जनता पार्टी की नेत्री की सत्ता के मद में चूर मानसिकता को दर्शा रहा है। हरदा जिले में ये लगातार देखने में आया है, भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हों, चाहे जिले में भारतीय जनता पार्टी को लीड करने वाले, कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाना एक इनकी आदत सी बन गई है। और इनके इस दबंगाई के आगे जिला प्रशासन का मौन होना, पुलिस एसपी का इन घटनाओं पर कोई कार्रवाई नहीं करना, कलेक्टर की चुप्पी, ये साबित करती है कि जिले में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, उनके कार्यकर्ताओं का कितना आतंक है। मैं तो जिले मीडिया पर जो वायरल वीडियो वायरल हो रहा है उस पर क्या कहोगे? जी सुष्मिता राजपूत, और जो वीडियो वायरल हो रहा है वो हमारे एक सामाजिक कार्यक्रम का है। परिक्रमा वासियों की यात्रा निकल रही थी जिसमें डीजे ढोल और सभी कुछ था, तो जिसमें सत्यनारायण जी कामलिया, जो हमारे फूफा जी हैं जो परिक्रमा से आए हुए थे, उनके नाम पे वो लाइसेंसी बंदूक है जिसके द्वारा फायरिंग की गई। और ये ऑब्जेक्शन उठाना सरासर गलत है क्योंकि अभी कोई आचार संहिता भी नहीं लगी है, कांग्रेस के पास कोई चुनावी मुद्दे नहीं है, कोई विकास की बातें नहीं है, इसलिए वो उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। तो मेरा उनसे निवेदन है कि आप विकास की बात करें, आप क्षेत्र की ओर ध्यान दें, ना कि इस तरह की फालतू बातों में अपना समय व्यर्थ करें। वो एक सामाजिक कार्यक्रम था हमारा जिसमें ये हवाई फायरिंग की गई और वो लाइसेंसी बंदूक थी। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।